बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और ऐसी बनाती हैं। थैंक यू। तुमने रोल किया है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के मैं आई हूँ अपने बच्चों को लेने एयरपोर्ट से। नबीहा ईमान आज वापस आ रहे हैं और हमने आज एक बहुत ही स्पेशल शादी पे जाना है, उसकी तैयारी करनी है और फिर कपड़े निकालने हैं। वी ऑल हैव टू गो। शादी है मेरी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट 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 फ्रेंड की बहन की, तो अदरवाइज ऑल्सो इट्स वेरी टॉक्ड अबाउट शादी इन टाउन। So we'll try and show you the clips of the wedding, and I want to be there for my best friend. And खुशी भी हो रही है कि वहाँ पे different colleagues से मुलाकात होगी, तबीयत थोड़ी fresh हो जाएगी, अच्छी energy आ जाएगी। So stay tuned. आज मैं निकली हूँ बगैर नाश्ते के। अभी मैंने नबीहा को फ़ोन किया था, वो कह रही है थोड़ा सा time है, अभी वो सामान लेंगे और फिर आएंगे। मुझे लग रही है भूख। मैं सोच रही हूँ कि मैकडोनल्ड से ऑमलेट और बन ले लूँ। ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं, ब्रेकफास्ट वो 12 बजे तक सर्व करते हैं। मैं थोड़ी लेट हो गई थी तो मैंने जलमी बर्गर ट्राई कर रही हूँ। मैं लग तो बहुत ड्राई रहा है, बट लेट मी सी। और मुझे तो जो चाय का मज़ा आ रहा है, उनको मैंने फ़ोन किया था, उनका एक सूटकेस आया, दूसरा नहीं आया। मैंने कहा आए तो मुझे बताओ, मैं फिर आके ले आऊँगी। उनका दूसरा सूटकेस भी आ गया और वो आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट उन्हें लेने। There you go. Hello. Oh my God. लोग नींद में हो, क्या हुआ है? सोए नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं सोए? बढ़वाए? बस रात को अंजार लेट नाइट, उनको कुछ हो गया था, अलमारियाँ बनाना शुरू हो गई। तो आप सो जाते हैं? आपने क्या अलमारियों में करना था? घर की रौनक वापस आ गई। और जी, ये तो फौजिया ने मेरे लिए नाश्ता बना लिया बटर और जैम के साथ। ये हमारा देसी ब्रेकफास्ट है और ये हमारा जी, आज डैडी को मेरे हाथ का पराठा मिल रहा है। खुशकिस्मती। आइए डैडी, सच सच बता दीजिएगा। क्या? पराठा। ये लीजिए। सुभान अल्लाह, तो अभी से निकल गया। सुभान अल्लाह, देखने से। कितनी चीनी बताइएगा? डेढ़ चम्मच। दो बस? बस हाँ। मेरी तरफ से बिल्कुल। आप सिर्फ अपना हाथ घुमा देती हैं, अम्मा मीठा हो जाता है। चलाना है मैंने हाथ? टूट ना होने पूरा मैच हो रहा है भाई। ये सारे देशों में अम्मा, ऐसे बहुत जुल्म की बात है। जुल्म नहीं, इसी से ये थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। जी, मेरा मेकअप हो गया। मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कपड़ों में कि क्या करूँ, क्योंकि मैंने काली साड़ी बनवाई थी, फिर मैंने ज़रा लेट लतीफ हूँ, मैंने अभी ड्रेस कोड पढ़ा है तो उस पर लाइट कलर और पेस्टल्स लिखे हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो देखती हूँ कुछ और पहन लेती हूँ। दो मैंने साड़ियाँ बनवाई थी, एक ब्लैक और एक ग्रीन, और मैं इतनी खुश थी कि आई लुक अमेजिंग। इस्लामाबाद में ट्राई की, सर्दी थी वहाँ पर, सिली भी बहुत अच्छी, बट नहीं, आई हैव टू रिस्पेक्ट द ब्राइड्स विश, तो इसलिए मैं वो नहीं पहनूंगी। कुछ लाइट से कलर की साड़ी देखती हूँ। एक मुझे समझ में आई है, मेरी पुरानी साड़ी, वो देखती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो एक मेरी बेटी तैयार होगी वो कैसी लग रही है। अमेजिंग। हेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नबीहा का बहुत दिल चाह रहा था कि इसने साड़ी पहननी है। मैं इस्लामाबाद से कराची आने के लिए मेन रीज़न जो एक्साइटमेंट थी ना वापस आने की, वो साड़ी थी। आप लोग भी थे पर साड़ी। अच्छा, तो ये साड़ी मैंने बांधी है इसे, और ये है भी आपकी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है साड़ी का। थोड़ा सा यहाँ पे वो बन गया है। हाँ, ये वेस्ट पे ना, ये थोड़ा वो होना चाहिए, इसको यूं कर देते, पेट पे जरा वो लग रहा है, तो मैं ऊपर से पिन हटा देती हूँ ताकि वो फॉल करे तो अच्छी लगे, है ना? मैं डैडी को दिखाती हूँ। कैसी लग रही है? आई विल गिव यू अ क्लच विद इट, ठीक है?
अब दूसरी बेटी कहाँ है, वो भी तो तैयार हो। दूसरी बेटी का हेयर प्रॉब्लम। जी मेरी दूसरी शहजादी भी तैयार है माशाल्लाह। यू लुक सो प्रिटी लाइक मॉडल। आई फील लाइक आई एम सो ओवरड्रेस्ड। नो यू आर नॉट। मॉडल नंबर 1। दिस इज माय माशाल्लाह माशाल्लाह। लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक यू। Can we go now, please? Let's go. Best friend. Yeah, these are the two sari girls and I am Karni. Desi girl. आपको शौक नहीं था? Hi guys. पता नहीं इसको क्या हुआ है but guys ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है और इसको बस ड्रामे करने होते हैं। I look so bad. I look this. I look that. मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। We are on the road. As usual, थोड़े late हैं। मगर इज ओके। आई थिंक शादी शायद 4 बजे ही होनी थी। उन्होंने जान बुझ के 3 बजे बोला क्योंकि उनको पता है लोग आएंगे 4। 3 बजे का कल उन्होंने इरसा खाला ने मैसेज किया था। जी आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है अभी तक ऑयल की मेथड में, जो मेरा मैजिक ऑयल है। तो जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और चीज़ मैंने ट्राई की है। उसके लिए मैं गई थी स्पार या किसी भी सुपरमार्केट पे, आप लोग चले जाएं जहाँ पे देसी मेथी दाना मिले जो कि छोटा होता है साइज़ में, और उसमें पानी ज़्यादा डालें और उसको भिगो दें तकरीबन 20 से 24 घंटे। उसके बाद आप मलमल का कपड़ा लें, मलमल के कपड़े को पहले भिगोएं और उसमें थोड़ा पानी छोड़ें, फिर उसकी पोटली बना के रखें। तो 24 घंटों में इतने स्प्राउट निकले थे उसमें, मैं हैरान हो गई थी। तो ये आप ट्राई करें। एक तो पानी ज़्यादा होना चाहिए बोल में जिसमें भिगोएं, और दूसरा ये कि मलमल का कपड़ा भी गीला होना चाहिए। तो जी हम आ गए हैं, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। कंफ्यूजन थी थोड़ी मगर ये कि इतना कोई मसला नहीं हुआ। वी आर हेयर। पहुंच गए हैं जी हम फाइनली। सो मैनी ब्यूटिफुल पीपल हेयर ऑलरेडी आई कैन सी। मुझे कपड़े पाए थे है ना। वेटिंग अभी दूल्हा वाले भी आए। Hello. Hi. Sonia, ye le lo.
Bilal and Salahuddin, please make your way to the entrance. आपको याद है अभी तक 16 इयर्स के बेटे का रोल किया? यस आई रिमेम्बर, यू लुक स्टनिंग। कौन? हां हां, उनसे मैं तुमसे पहले मिली हूं। आई लव योर कंटेंट एंड आई एम लाइक स्टिल गेटिंग कंटेंट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, ऐसी बनाती हैं। थैंक यू सो मच। स्मार्ट हो जाए। सारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, किचन से निकलने की? बात है, मैंने लगा कि बहुत तेजी से पाया जाएगा। नहीं, वो नहीं देखा मैंने। अच्छा याल इज अच्छा आई वुड रिमेंबर दैट, आई वोंट फॉरगेट। अच्छा कसम से हमायून शगोफ्ता शगो तुमने रोल किया है। ओ ब्राउन लगाने लगी तो माय स्टेप सन सेड नहीं अभी हम सो जाए फिर देखेंगे। किसी ने पूछा अभी इंटरव्यू में वन वर्ड फॉर ब्राउन, ऐसे कि माय नहीं सकते लिटरली हाँ वो भी। अरे हाँ चिकन कढ़ाई है।